राजस्थान का एक ऐसा बलवान व्यक्ति जो ऊंटों को अपने हाथों से उठा लेता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ डकैतियां कर देता था। ऐसा मशहूर नड़वादक था और जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था। पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जिला और जैसलमेर जिले में दफन ऐसी कई कहानियां जो आज तक आपको भी पता नहीं। ऐसी ये कहानी आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, जैसलमेर के एक ऐसा व्यक्ति जिसको तलाश है अपने सिर की, पुलिस को तलाश है उसके सिर ले जाने वालों की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसलमेर के एक कुख्यात डकैत करणा भील की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भरत जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। जैसलमेर का कुख्यात डाकू या राजस्थान का मशहूर नड़वादक कहे या लंबी लंबी मूछों वाला एक सात फुट के कद काठी वाला व्यक्ति कहे तो वो था करणा भील, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब 80 और 70 के दशक की बात है कि जब तारबंदी नहीं हुआ करती थी तब वो दोनों तरफ डाके डालता था। लोग ये भी बताते हैं कि जैसलमेर जिले से होने वाला व्यापारी और वो निकला हो और वो करणा भील की नजरों से बचा हो या उसकी लूट से बचा हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति था जो अफगानी लड़की के प्यार में पागल हो गया था। पूरी बात बताऊं तो करणा भील जो जैसलमेर के दुर्ग के पास रहता था और डकैत था, वो आने जाने वाले व्यापारियों को लूटता था, यहां तक कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों तरफ डाके भी डालता था, लोगों को लूटमार करता था और अपना जीवन व्यापित करता था। कुछ समय बाद करणा भील पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसे जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि उस समय के वीआईपी राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जब जैसलमेर आए तब पैरोल पर करणा भील को बाहर लाया गया और करणा भील ने उन्हें जो एक राजस्थान का वाद्य यंत्र है नड़वादक वो सुनाया। और उससे ज्ञानी जेल सिंह काफी प्रसन्नित हुए और ज्ञानी जेल सिंह ने उसकी सजा कम कर दी और उसे कहा कि आज के बाद ऐसी हरकतें या ऐसे जुर्म मत करना कि जिससे फिर आपको जेल जाना पड़े। करणा भील जेल से बाहर आता है, वो रोजाना सुबह एक दूल्हे की तरह तैयार होकर जैसलमेर के दुर्ग के बाहर आकर बैठ जाता है और वहां आने जाने वाले पर्यटक, वहां आने जाने वाले लोग करणा भील के जो मूछे हैं, तो बता दूं को मूछों को दुनिया में सबसे बड़ी मूछे रखने का दूसरा खिताब जो है वो भी करणा भील को मिल चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में करणा भील का नाम दर्ज है। उसकी मूछे इतनी लंबी थी कि सैलानी आते थे उसकी मूछे खोल कर देखते थे, उसकी नड़ वाद्य यंत्र जो था उसकी धुनें सुनते थे और उसको पैसे भी देते थे। खुशी खुशी जीवन चल रहा था। उसी बीच लोगों का कहना यह भी है कि करणा भील को सरकार द्वारा जमीन आवंटित हुई थी और कुछ लोगों का कहना है कि करणा भील ने खेत खलियान खलने के लिए अपने किसी पहचान वाले की जो जमीन थी वो ली थी और उसके बाद वो उस जमीन पर खेत खलियान करता था। लोगों ने यह भी कहा है कि वो जब जिसकी जमीन थी वो वापस मांगने आया तो इसका मन बदल गया और करणा ने उसे जमीन देने से इनकार कर दिया। और लोगों का ये कहना है जब सरकार ने इसे आवंटित किया था तो उसके पास में ही एक इलियास नाम का जो व्यक्ति था वो इससे रोजाना झगड़े करता था। हमेशा के झगड़ों से परेशान होकर एक दिन करणा मन भील के मन का डाकू फिर से जाग उठा और इलियास को करणा भील ने उसके बेटे के सामने गोली मार, इलियास की मौत हो गई। और बताते हैं कि इलियास की मौत पर इलियास के बेटे ने एक कसम खाई थी कि मैं भी करणा भील के सिर काट कर अपने बाप की मजार पर चढ़ाऊंगा। और उसके बाद करणा भील को जेल हो गई और करणा भील जेल में चला गया। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि करणा भील ने नखूनों से जेल को कुर्ता और वो फरार हो गया। 13 साल बाद एक ऐसा दिन आता है, 2 अक्टूबर 1988, करणा भील ऊंट गाड़ी पर सवार होकर अपना चारा लेने जाता है, अपने घर का कोई सामान लेने जाता है। उसी दरमियान कुछ लोग करणा भील पर हमला करते हैं और करणा भील का जो सिर है वो धड़ से अलग कर देते हैं और धड़ को ऊंट गाड़ी पर लाद कर वापस मोड़ दिया जाता है और ऊंट गाड़ी घर के सामने आके रुक जाती है और जो सिर है वो लेकर चले जाते हैं। आज इस बात को 35 साल बीत चुके हैं, आज भी उसका जो धड़ है वो पत्थरों से ढक कर रखा गया है क्योंकि हिंदू रीति रिवाज है कि जब अंतिम संस्कार होता है तो एक एक अंग का होता है, पर बिना सिर के अंतिम संस्कार करे तो भी कैसे। आज तक ये पता नहीं चला कि उसका जो सिर है
वो रेगिस्तान के कहीं दोरों में दब चुका है या जो काटने वाले थे वो साथ लेकर गए। सिर आखिर कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, इसका जवाब न सरकार के पास है, न पुलिस के पास है, न किसी व्यक्ति के पास है। पर उन घर वालों को ये तलाश है तो उन मुलजिमों की जिन्होंने सिर काटा, पुलिस को तलाश है तो उन मुलजिमों की जिन्होंने सिर को धड़ से अलग कर दिया। पर करना भील की उस शरीर को इंतजार है तो उस सिर का, ताकि अंतिम संस्कार हो सके।